चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधायक प्रकाश गजभिये की, जिन्होंने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से मांग की है कि लोगों की परेशानी को दूर करते हुए बिजली बिल में उन्हें रियायत दी जाए। हाँ, थोड़े लॉकडाउन के 3 महीने के कार्यकाल में महाराष्ट्र शासन ने बिल भेजा नहीं था, वो 3 महीने का इकट्ठा बिल अभी भेजा है, लेकिन वो ज्यादा मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल से भेजा है। तो निश्चित तौर से हम कल ऊर्जा मंत्री माननीय नितिन राउत साहब से बहुत यानी अच्छी चर्चा होगी, और वो चर्चा में ऐसा मुझे ध्यान में आ गया कि पहले जो सरकार थी, ये पहले सरकार ने उनके गलत नीतियों के वजह से पूरा जो खर्चा है बिजली का, वो बिजली का खर्चा प्राइवेट लोगों से लेने के वजह से पूरा जो नागरिक है वो ज्यादा बिल आने से हवालदिल है, निश्चित तौर से चिंता में है, और वो गलत नीतियों के कारण ये बिल आ रहा है, पहले सरकार इसके लिए दोषी है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये भाजपा की सरकार केंद्र में है तो निश्चित तौर से सारा जीएसटी से आधा से ज्यादा पूरे देश का जितना निधि रहेगा, जितना इनकम रहेगा, तो उतना बम्बई से पूरा केंद्र को पैसा जाता है, लेकिन वो केंद्र में गया हुआ पैसा वापस नहीं राज्य के लिए आ रहा है। ये उसके वजह से हमारा महाराष्ट्र पीछे जा रहा है, और पिछले सरकार ने पूरा तिजोरी में डाका डाला और पूरा तिजोरी खत्म कर दिया, उसके वजह से ये महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है। हम कल उनको बोले तो कि ये बिल कम कर दीजिए, और हमको पिछले सरकार को भी हमने बोले कि तुम 200 यूनिट तक बिजली माफ करो, तो कुछ भी नहीं किया, और जब सत्ता में नहीं है उसके बाद में बोल रहे कि 300 यूनिट बिजली माफ करो, ये कहां का हास्यास्पद बयान, बराबर नहीं है। निश्चित तौर से ये सरकार, हम चाहेंगे कि किसी भी हालत में एक भी गरीब घर का कनेक्शन कटना नहीं चाहिए, किसी का भी इलेक्ट्रिक का, जो भी जिसके घर नहीं इलेक्ट्रिक उसको इलेक्ट्रिक देना चाहिए। तो कल ऊर्जा मंत्री ने बोला कि हम किसी का भी कनेक्शन काटेंगे नहीं, चाहे उसको 10,000 बिल क्यों ना आया हो, लेकिन ये सरकार कटिबद्ध है। हमने बोला कि 90,000 करोड़ रुपए अगर एनडीआरएफ में अगर केंद्र सरकार डाले तो ये पूरे लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का 3 महीने का बिजली का बिल माफ हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान महाराष्ट्र के लिए एनडीआरएफ के माध्यम से करना चाहिए, ताकि ये एमएसईबी का बिल कायम ही यानी मुफ्त हो जाएगा, और आने वाले दिनों में 100 यूनिट हम बिजली माफ करेंगे, ऐसा उन्होंने ऊर्जा मंत्री ने कहा, अगर केंद्र सरकार पैसा देता है तो। यहाँ का पैसा पूरा केंद्र सरकार लेकर गई, उसके वजह से हमारा राज्य उधर और उसकी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है। तो हम कल उनको निवेदन दिए, और उन्होंने बोला कि किसी का भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कटेगा नहीं राज्य भर में किसी का।